हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल फैक्ट्स गुरु में। आज आप सबको रक्षाबंधन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि भाई और बहन के प्यार का त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से रक्षा करने का वचन देता है। बहनें अपनी भाई की लंबी आयु की कामना करती है। इसी राखी पूर्णिमा के तौर पर भी माना जाता है। रक्षाबंधन के पीछे बहुत सी कहानियां हैं कि हम ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं। उनमें से एक है, जब श्री कृष्ण भगवान गन्ने को यानी शुगर केन को उठा रहे थे तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तभी रुक्मिणी उनकी वाइफ ने अपने नौकर को बोला, जाओ जल्दी से वैद्य यानी डॉक्टर को बुलाकर लाओ। तभी द्रौपदी जो वहां पर पहले से थे, उन्होंने अपने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उनके हाथ में बांध दिया। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षा का वचन दिया। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं, पर फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो, ये फेस्टिवल भाई बहन के सच्चे प्यार को दर्शाता है। एंड एट लास्ट, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।